Allahu 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 मरहूम नाइनी आल्लाहु मकामहू अपनी किताब गौहरे शब चराग में एक अमल बयान करते हैं। अमल फरमाते हैं कि उस पर इंसान अगर रुजू कल्ब के साथ एतकाद के साथ उसे अंजाम दे तो इंशाअल्लाह बेहतरीन तजुर्बे के साथ फ़ायदेमंद बयान। तो इंसान इस अमल को अंजाम दे इस एतबार के साथ कि परवरदिगार कबूल करने वाला और वसीले की बुनियाद पर हाजतें रवा करने वाला। कोई भी हाजत हो, कोई भी दुआ की कबूलियत का मसला हो, यह अमल अमल क्या है? 3 दिन का अमल है। यानी अगर आप आज शुरू करते हैं तो जुमा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन का अमल। करना क्या है? करना आपको यह है कि एक मरतबा पढ़नी है आयतुल कुर्सी और उसमें आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और फिर आयतुल कुर्सी पूरी एक मरतबा। उसके बाद सूरह अल्हम्द 2, उसके बाद कोई भी एक सूरा जो आप पढ़ना चाहें 3, कोई भी सूरा, सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ लीजिए या सूरह काफिरून पढ़ लीजिए या कोई और सूरा। तो कोई एक सूरा कुरान मजीद का अल्हम्द के बाद 3, आयतुल कुर्सी, सूरह अल्हम्द और कोई एक सूरा कुरान मजीद का। नंबर 4, सूरह इखलास पढ़ेंगे 5 मरतबा अमल के एतबार से 5 मरतबा और सूरह कौसर पढ़ेंगे 15 मरतबा। नंबर 5। नंबर 6, 100 मरतबा दुरूद की तिलावत करेंगे। कुल 6 पढ़ने की बातें 3 दिन एक अमल आगाए नाइनी के बयान के एतबार से। मैं फिर दोहराता हूं, नंबर 1 आयतुल कुर्सी आउज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह के साथ, सूरह अल्हम्द, उसके बाद कोई एक सूरा। इन तीनों में से हर एक को एक 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 बार पढ़ना है। नंबर 4 पर सूरह इखलास जो आपने पढ़ना है 5 मरतबा। नंबर 6 पर आपने पढ़ना है सूरह कौसर 15 मरतबा। नंबर 7 आपने 100 मरतबा दुरूद की तिलावत करना है। ये 6 आमाल 3 दिन तक अंजाम दें और इसका सवाब 4 अंबिया की अरवाह की खिदमत में हदिया करें। हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और सरकार ख़त्म ये मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आमाल तो बहुत सारे, अलबत्ता दौलत यकीन के साथ, आजमाइश नहीं, तजुर्बा नहीं, यकीन कि दुआ कबूल करने वाला, हमारे हालात को जानने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला, आइम्मा की वसीले को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता करने वाला। इस यकीन के साथ आप अमल अंजाम दीजिए इंशाअल्लाह। अगर परवरदिगार की तरफ से कोई और मेरे और आपके हक में बेहतरी ना हो इसमें कि इसके अलावा काम किया जाए तो यह काम होकर रहेगा इंशाअल्लाह। परवरदिगार हम सब के अमाल और दुआएं और नमाजें सब कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम।